अब हम शुरू करने जा रहे हैं 4.2 जो कि है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। 4.2 सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमें इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की अपने आप आएगी। जैसे अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो आपके पास होगा y इज इक्वल टू 3 × 0 + 5। y इज इक्वल टू 0 + 5, y इज इक्वल टू 5। लीजिए ये सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन 0 पुट की तो 5y। दिस इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। और ट्राई करते हैं, अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करें, y इज इक्वल टू 3 × 1 + 5, मीन्स 3 × 1 = 3 + 5, y इज इक्वल टू 8। वन मोर, 1 8, दूसरा सॉल्यूशन आ गया। फिर ट्राई करते हैं, अगर हम इसके प्लेस पे 2 पुट करते हैं, नाउ x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 3 × 2 + 5, मीन्स y इज इक्वल टू 3 × 6 + 5, दैट इज y इज इक्वल टू 11। लो जी एक और आ गया, 2 पुट करते हैं तो 11 आता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमें एक इक्वेशन अगर मिलती है, लीनियर इक्वेशन, तो उसके 1 2 3 नहीं, इसके 100 मैन सॉल्यूशन हो सकते हैं। बिकॉज 3 सॉल्यूशन तो मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। हमारे पास 3 ऑप्शन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो इक्वेशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब है इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक तो नहीं दिख रहा आपको, बिकॉज 3 सॉल्यूशन तो मैंने आपको दिखा दिए, तो इसका एक सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब सर पहले वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 सॉल्यूशन, क्या इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज हमने 3 सॉल्यूशन तो दिखा दिए, तो 2 कैसे पॉसिबल है? 2 तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन सेकेंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब आते थर्ड पे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यस दिस वाज द राइट आंसर, बिकॉज 1 2 3 सॉल्यूशन वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, सो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन दिया था, इक्वेशन इज टू बी गिवन। इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि आप, हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसके 2 सॉल्यूशन है, या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो इसके 3 सॉल्यूशन तो मैंने आपको दिखा दिए निकाल के, तो फर्स्ट सॉल्यूशन वाला, 2 सॉल्यूशन वाला वो तो नहीं है, तो थर्ड इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ये आपको याद रखना है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको एक हम लीनियर इक्वेशन देंगे, उसके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने, जैसे मैंने आपको 3 निकाले ऐसे आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, देखिए हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 2x + y = 7। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आप इन दोनों में से जो आपको सबसे छोटा लगे, जैसे कि y है, सिंगल है, तो आप इस y को यहीं रखिए और 7 - 2x कर दीजिए। आप सिंपल है, आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी, y की वैल्यू अपने आप आएगी। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए y इज इक्वल टू 7 - 2 × 0,
यानी 7 माइनस जीरो, यानी y की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 7। इसका मतलब ये आपका हो गया 0.7। ये एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या होगा? अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2 और ये 1, 2 वन द 2, सो ये आपका ये दूसरी है। आप यदि इसकी वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपके पास आएगा 5। अब हम थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में क्या पुट करने वाले हैं? सर हम x की वैल्यू है ना वो 2 पुट करने वाले हैं, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 2 टू द 4, तो ये आपकी 3 आ गई। आपने यदि 2 पुट किया तो 3 आ गया। हमें चाहिए कितने सॉल्यूशन? 4। एक सॉल्यूशन और फाइंड कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2 इंटू 3, 3 टू द 6, इसका मतलब सर ये 1 आया। y को वही रख लो आप, अगर 3 पुट करते हैं तो 1 आता है। ये हो गए लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है उसके 4 सॉल्यूशन निकालने, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये 4 सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है, ऐसे जरूरी नहीं कि 1, 2, 3, 4, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैं तो 4 रखूंगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन पुट 4। 4 पुट करोगे तो 4 2 8, माइनस का 8 प्लस का 7, तो आपका आंसर आएगा -1। कोई कहे सर मैं तो 5 पुट कर दूंगा, तो 5 2 10, तो -3 आएगा। तो ये आप अलग अलग पुट कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो पाई की सेट में है, वो भी देख लीजिए आप। सेकंड पार्ट, इस पार्ट में हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, आपको यहां पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। सबसे पहले वाई इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई एक्स लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट। फर्स्ट अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते, ओके, अगर एक्स की वैल्यू 0, यहां 0 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई इंटू 0, इसका मतलब है कि 9 माइनस का 0, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 9। सिंपल मींस एक आपकी होगी 0 रखने पर 9। ओके, अब आप ऐसा करो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करें तो आपका y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई इंटू 1। देखो पाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पाई पाई कहलाएगा। y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई, अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यही आपका आंसर, मींस 1 पुट करने पर 9 माइनस पाई, ऐसा ही होगा। इसी टाइप से अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दे तो फिर वैसे ही होगा भाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई इंटू 2, तो यही 9 माइनस का 2 पाई हो जाएगा। ये y की वैल्यू रख दो वहां पे, अगर 2 पुट कर दे तो 9 माइनस का 2 पाई हो जाएगा। अब आप 3 पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई और साथ में 3, ओके, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 3 पाई, तो 3 पुट करने पर 9 माइनस का 3 पाई, ये आपका हो गया 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम शुरू करते हैं 4.2 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है सेकंड का? वो है x इज इक्वल टू 4y। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0। और आपको अच्छे से पता है कि 0 एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिससे भी मल्टीप्लाई होती है उसको 0 कर देती है। अब यदि मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज x की वैल्यू कितनी आई? 4। यानी एक तो आपका हो गया 0 0, दूसरा हुआ अगर आपने 4 आई है 1 रखने पर,
अगर y की वैल्यू आप पुट करते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 4 × 2, दैट इज 8। x की वैल्यू कितनी आई? 8। यानी आपकी वैल्यू 8 आती है यदि आप 2 पुट करते हो। तो तीन वैल्यू हो गई हमारे पास, एक और वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपने y की वैल्यू 3 पुट की, तो x इज इक्वल टू 4 × 3, x की वैल्यू आई 12। तो 12 कब आती है? 12 आती है जब आप इसकी वैल्यू 3 पुट करते हो, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको x का कोऑर्डिनेट पहले लिखना होगा, y का बाद में, हमेशा सही करना होगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गया है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कैसा है? वो कुछ ऐसा है, आपको थर्ड पार्ट में आपको चेक करना है कि x माइनस, थर्ड क्या है आपका, हम आपको दे रहे हैं x माइनस का 2y = 4। इक्वेशन हम आपको देकर चल रहे हैं, आपको क्या है इसमें 4 पार्ट दे रखे, आपको वो वैल्यू सेटिस्फाइड करनी, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड है और कौन सी नहीं है चेक करना है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 0.2, इट मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू 2 पुट करनी है, सेटिस्फाइड है कि नहीं चेक करना है। अगर हम यहां 0 पुट करें और इसकी जगह 2 पुट करें तो 4 आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। -4 = 4, इट मीन्स -4 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं, ये नहीं होगा। सेकेंड पार्ट चेक कर लेते हैं, 2.0, सेकेंड पार्ट है इसका 2.0, देखते हैं 2.0 सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। 2.0 देख लेते, 2.0 पुट करके देखते हैं, 2.0 मीन्स x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है और y की वैल्यू 0, तो 2 माइनस का ये 0 पुट किया हमने, ये 4 आया। देखिए 2 माइनस का 0 = 4, तो 2 = 4, ये भी नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड। थर्ड क्या है? 4.0, अगर 4.0 ट्राई कर लेते हैं, इसमें भी 4 पुट करते हैं तो 4 - 2 × 0 = 4, चेक कर लेते हैं, 4 - 0 = 4, 4 = 4, यस दिस इज द परफेक्ट, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और वैल्यूज है, √2 है और कॉमा 4√2, ये वैल्यू भी चेक करके देख लेते हैं। यहां पे √2 कर रहे हैं तो √2 हो गया, माइनस का 2 × 4√2 = 4, चेक करें, √2 - ये कितना हो गया 8√2 = 4। 8√2 में से अगर 1√2 गया तो -7√2, ये तो नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। वन मोर, वन माइनस का 2 × 1 = 4, 1 - 2 = 4, इट मीन्स -1 = 4 होगा? नहीं होगा, इट मीन्स ओनली दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई। इट इज अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सो सिंपल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ओनली यू पुट द वैल्यू, आंसर विल ऑटोमेटिकली कम्स आउट। When you put the value of x and y, answer will be automatically comes out. Means, put the value of x is equal to 2 and y is equal to 1. In the equation, I will give you 2x plus 3y is equal to k. Find the value of k. आपको k का value find करना है. X और y की value put कर दीजिए, कुछ नहीं करना होगा. Means, 2 x कितना है? Yes, 2. y कितना है? 1 = 7. 2 × 4 + 3 = 7. ये किसकी वैल्यू आई है? k की वैल्यू है, यानी 7 = k। तो आपकी k की वैल्यू है वो कितनी आई है? 7। ये आपका 4.2 यहां तक हुआ कंप्लीट। 4.3 के साथ में आगे मिलते हैं, ओके?